तो हाँ, तो नेक्स्ट है, एक तो ये वाला था जो बाहर का है ओपन एरिया, और अब मैंने ये बताया था कि एक ही रूम है, ठीक है, ये अंदर से बड़ा है, अभी बन रहा है, बना नहीं है, बट मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। इसको बनने में आई थिंक हफ्ता लग गया है, ये पूरे सेटअप को, अभी कच्चा है, अभी थोड़ा सा आई थिंक 1 वीक और लगेगा, शायद 1 वीक नहीं बट 5 डेज। तो ये दो गेट्स अभी खुल नहीं सकते हैं, कुछ हो रखा है इनमें काम इस वजह से। तो ये एक एरिया तो हमारा किचन का हो गया, जिसमें हम फीडिंग के लिए, अगर जैसे अगर दिख रहा है तो, जैसे अभी मैं स्टार्ट करूँगी फीडिंग बाहर वाले बच्चों के लिए, जो मेरे बाहर के स्ट्रीट डॉग्स हैं यहाँ पर, उनके लिए। तो ये एरिया हम वहाँ पे खाना बनाएंगे, और ये एरिया हमारा वॉशिंग मशीन लाएंगे, जिस पे इन सबके ब्लैंकेट्स वगैरह धुलेंगे, कंबल वगैरह। तो ये एरिया मैंने वॉशिंग का बना रखा है, और ये वाला हमने उसके लिए खाने के लिए, जिसमें सारा का सारा जो भी खाना होगा डॉग्स का, वो बनेगा किचन टाइप। और ये है हमारा रूम, इसमें मैंने तो अभी वही है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें टाइम लगेगा। ये है अंदर का एरिया, पूरा लाइट नहीं है ज़्यादा, इसमें दिखेगा नहीं, ये पूरा अंदर का एरिया है एक, और ये बाहर का है। तो मैंने दो सेक्शन इसलिए बनवाए हैं अलग अलग, ताकि अगर कोई पार्वो डिस्टेंपर का आ जाता है तो हम इजीली रख पाए यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक दूसरा रूम है, और ये एक दूसरा रूम है। तो अभी ये दिखेगा नहीं इतने अच्छे से, क्योंकि लाइट भी नहीं है इतने, और अभी ये प्रॉपरली बना भी नहीं है, तो जब बनेगा तो मैं दिखाऊंगी। बट मेरे को यही दिखाना था कि अभी इन मेकिंग है हमारा शेल्टर। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों रोई रोई, क्यों रोई रोई, भाई मारा है किसी ने, लाली इधर आओ, क्यों रोई रोई भाई, क्या हो गया बच्चे, ओए मेरा बच्चा, बस बस बस, शेरू मारता है तेरे को, शेरू बहुत गंदा है ना, शेरू सबको मारता है, सबको मारता है, उसको हम जल्दी भेज देंगे, ठीक है, चल आ जा लाली, आ जा। क्या है, क्या करूं तेरी पूछ का, मैं हिलाए जा रहा है, हिलाए जा रहा है, रुक जा, रोक इसे, मैं कह रही हूं अभी रोक दे, अभी रोक पूछ को, रोक, रोकता ही है बताऊं पूछ ही नहीं रोक रहा, रोक शेरू, ओके हट, जल्दी भी हट जा, चल हट 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 बाहर जा। तो ये तो एक हमारी मतलब बेसिक सी है, जिसमें डेली यूज़ की मेडिसिंस वगैरह आती हैं, जैसे हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे सिरप हो गया, कैल्शियम का, जो मतलब रोज़ हम देते हैं बच्चों को, वो मैं बाहर रखती हूँ, क्योंकि फिर बार बार अलमीरा से निकालो करो तो फिर वो और गंदगी हो जाती है। स्प्रे हो गया, टॉपिक्योर स्प्रे, डी मैक्स, स्केवॉन, मतलब बेसिक बीटाडिन, और इसके अंदर है सारे के सारे सिरप वगैरह, जो जो मैं बच्चों को देती हूँ, जो मेरे डेली यूज़ में काम आते हैं, वो मैंने मेनली बाहर ही रखे हुए हैं सारे के सारे। जैसे ये ड्रेसिंग का सामान हो गया, और क्या है, ये सारे इंजेक्शन्स हो गए जब बच्चों के ट्रीटमेंट वगैरह होता है उसके लिए, और नीचे सारे के सारे ये लीश और ये सब ग्लव्स वगैरह नीचे रखती हूँ। तो ये तो हमारी वो है जो हम रोज़ हमारा यूज़ में आता है, तो ये तो वो वाली अलमीरा है, अलमीरा मतलब वही एक तरीके की ट्रॉली जो भी कहते हैं। और ये मैंने एक अलमीरा बाय करी थी अभी थोड़े दिन पहले, तो इसमें मैंने पूरा सेटअप करा है, मैं आपको दिखाती हूँ इसके। ये है, हट ना पागल, रुके दो, अरे साथ। ओके सो ये है अलमीरा, इसमें मैंने सारा का सारा अपना स्टॉक रखा हुआ है दवाइयों का। इसको मेरे को सेट करने में कम से कम मेरे ख्याल से आधा से भी ज़्यादा दिन चला गया था, क्योंकि मेरे को ना चीज़ें बहुत क्लीन पसंद है, और वैसे भी इनकी दवाइयाँ जैसे अब मैं बाय करती हूँ तो मुझे लगता है कि प्रॉपरली अरेंज्ड वे में रखूँ। तो ये देखो, जैसे एक एक करके आपको दिखाती हूँ, ये सारी की सारी पिंस वगैरह जो ड्रिप में यूज़ होती है, ठीक है, और ये इनकी दवाइयाँ, मल्टीविटामिन, टेप्स, ड्रेसिंग टेप, और ये है अपना वही दवाइयाँ, मल्टीविटामिन, न्यूट्री रिच, ये सब, और ये है
टॉपिकर स्प्रे अलग से, इसके वॉन स्प्रे, ये मेरा काफ़ी यूज़ होता है, इसके वॉन और टॉपिकर स्प्रे, तो मैंने इनका पहले ही बल्क में स्टॉक मंगवा के रखा हुआ है। ये शैम्पू है, ये कॉटन है, कॉटन यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा पेट वाइप्स है। और ये जैसे मैंने ट्रे के अंदर रखी हुई है चीज़ें, ये जैसे बेसिक दवाइयाँ वगैरह, ये एंटीबायोटिक वगैरह है सारी, बायोक्लिन, सेफपेट और ये सब। तो ये छोटी छोटी दवाइयाँ वगैरह ये मैंने ऐसी ट्रे में लगा के रखी हुई हैं। और ये नीचे सारी की सारी DNS, NS, RL, मेट्रो, ये सब जो भी ड्रिप में यूज़ होता है वो सब चीज़ें हैं, ये सारे के सारे भी मैंने स्टॉक में रखा हुआ है, ताकि क्योंकि हमारे पास, क्योंकि एकदम से कोई बच्चा आए और फिर हमारे पास वो चीज़ ना हो ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास रात रात को भी केसेस आते हैं तो ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले ही मंगवा के रखती हूँ। और ये है बीटाडिन का स्टॉक है, ये बीटाडिन भी चाहिए होती है वूंड के लिए। ये हमारी ड्रेसिंग वाली पट्टियाँ हैं, ये बच्चों का खाना है, नीचे भी खाना है, और ये इंजेक्शन वगैरह हैं। तो ऊपर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा सामान पड़ा है। तो ये है मेरी पूरी अलमीरा, इसमें मैंने सारा का सारा अपना सामान रखा हुआ है, मेडिसिन वगैरह। तो आज एक डॉग आया है मेरे पास, जिसकी कंडीशन देख के मेरे को बहुत ही बुरा सा लग रहा है। जो छोड़ के गया है मेरे पास, उन्होंने बताया कि उसको ट्रक वाला मार गया था, और वो हफ्ते से आई थिंक रोड पर ही था, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, तो इसलिए उन्होंने मेरे पास भेजा उस डॉग को। इसका नाम मैंने जीवन रखा है, क्योंकि आप अभी इसकी कंडीशन देखोगे तो आप समझ जाओगे। जिस भी ट्रक वाले ने मारा होगा, मेरे को नहीं पता क्या रीज़न था या जो भी था, बट इसको देख के मेरे को अभी ऐसा हो रहा है कि मैं ये भी नहीं सोच सकती कि जब इसको लगी होगी, इसके पैरों में सेंसेशन नहीं है। सेंसेशन मतलब अगर मैं उस जगह पे कुछ भी मारूंगी, कुछ भी करूंगी, तो इसको दर्द फील नहीं होगा, तो सेंसेशन चली गई है दोनों पैरों से। तो मैं बस ये सोच रही हूँ, जब इतना बुरा एक्सीडेंट इस बच्चे का हुआ होगा तो ये कितनी पेन में होगा, और कहाँ पर होगा, कैसा होगा। अभी क्योंकि मेरे को हफ्ते बाद ये मिला है, तो जब हुआ होगा तो कैसे इसने डील करा होगा पेन से, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो अभी मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाती हूँ, तो आप समझ जाओगे कि मैं इतना क्यों अपसेट हो रही हूँ उसकी कंडीशन को लेकर। ये है, और बेचारे के ये पूरे के पूरे दोनों घोड़े वगैरह सब छिले हुए हैं। ओ गॉड, मेरा बच्चा। तभी मैंने इसका नाम जीवन रखा, क्योंकि मैं इसको अपने साथ एक अच्छा जीवन दूंगी, है ना, मेरे साथ रहेगा ज़िंदगी भर, नहीं। और इसके लिए हम जल्दी से जल्दी व्हीलचेयर भी अरेंज करेंगे, ताकि इसका, चाहे भले ही नीचे सेंसेशन नहीं है इसके पैरों में, बट ताकि ये इसका छिले ना बिल्कुल भी नीचे से घोड़े वगैरह, है ना जीवन। ओए मेरा बच्चा, ओए मेरा बच्चा, कोई नहीं, अब सेफ हो मेरे साथ, ठीक है, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कल आया था थोड़ा डरा हुआ था, थोड़ा नहीं काफ़ी, पर अभी थोड़ा घुल मिल रहा है, सही हो जाएगा, है ना, सही हो जाओगे। तुझको मैं खाना नहीं देती क्या, जो इसमें से मुंह मार रही है कूड़े में से, वो भी चिप्स खा रही है, वाह, मतलब कूड़े में मुंह मार रही है, जैसे मैं तेरे को खाना नहीं देती खाने को जोया, बिल्कुल ही, मतलब क्या है, डस्टबिन ही तोड़ दिया, बताओ यार, फिर डस्टबिन में भी मुंह मारते हैं, उसे पता नहीं 10 दिन तक कुछ खाने का ही नहीं दिया होगा इन्हें। जोया गलत बात नहीं, नहीं बेटा ना, ये सूजी है, सूजी के नीचे अगर याद हो तो टांके लगे थे, इसको ट्यूमर था, मैंने इसकी स्टोरी भी डाली थी। अब ये रिकवर कर रही है, मतलब पहले स्टार्टिंग में कुछ खा नहीं रही थी, अब खाना वाना भी इसने स्टार्ट कर दिया, तो एकदम टिच हो गई है, टिच। सूजी जी, शूजू जी, शूजू, ये थोड़ी ना अपने उसमें रहती है घमंड में, थोड़ा इसको है प्राइड, पता नहीं किस चीज़ की। और ये है प्रिया, प्रिया का मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, जो करनाल से आई थी, इसकी स्टोरी भी मैंने डाली थी। अब ये एकदम सही हो गई है, कूद रही है इधर से उधर, देखो ज़रा इसकी पूछ, प्रिया
जल्दी वापस जाएगी अपने घर, हैं? ये भी ठीक हो गई है, टचवुड। और कौन है? और भालू का भी आपको अपडेट दे देती हूँ। भालू का साइड में अब भाई, ओ वाह वाह बेटे, अरे यार मेरे से भी डरता है क्या? हाँ जी शेरू, इसका नाम शेरू हमने गलत रख दिया, इसका नाम रखना था हमने प्रधान। ये है प्रधान हमारे यहाँ का। इसके पैर में रॉड डली थी, वो भी अब ठीक हो गई है, जो इसकी सर्जरी हुई थी रॉड की, अब एकदम सही चल रहा है। पर ये इसका जाने का बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से, मैंने जीरू और जाना तो पड़ेगा बेटा, है ना शेरू शेरी। और ये राजू, ये जो बाहर के बच्चे हैं ना, यहाँ पे जो बाहर रहते हैं, ये इसको ट्यूबलाइट बुलाते हैं बिकॉज ऑफ ये जिसने पहना हुआ है ऊपर कॉलर, इसकी वजह से। तो इसका नाम ट्यूबलाइट रखा हुआ है इन्होंने, बल्ब और ट्यूबलाइट। अब राजू की रिकवरी अच्छी है, और मतलब इसको बस थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा है पैर में जहाँ पे इसकी रॉड डली थी, बट अदरवाइज ये एकदम ठीक है। और अभी इसको भी शायद 1 वीक में रिलीज़ करेंगे। और साइड में ये बैठी है हमारे पास, कौन बैठी है? इसके मैगी फून था पीछे, ये पीछे, ये कभी टच नहीं करने देती, बड़ी मुश्किल से दवाई लगाते हैं हम इसको पीछे से। सुप्रिया है इसका नाम, सुप्रिया जी। ये मंजी के नीचे ही बैठती है, कहीं और नहीं बैठती है, इसको बस मंजी के नीचे जगह मिल जाए बस वही बैठेगी। दवाई भी इसको भाई बड़ी मुश्किल से लगानी पड़ती है, बट अभी रिकवर कर रही है तो सही हो जाएगी ये भी जल्दी। अरे हमारे जीवन जी नए आए, हमारे नए जीवन। ये क्या है मेरे हाथ में? बेटा इनको चाहे कितना भी खाना दे दो, कितना भी खाना, मतलब मैं कह रही पूरे दिन इनको खिलाते रहो, ये भुखड़ों को ये खाते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। कुछ भी रख दो इनके आगे, 24/7 कुछ ना कुछ बस चाहिए है खाना है। रॉन्ग चिंटू इतना सा और ये इतना खाता है, इसके कान इतने बड़े बड़े हैं। चिंटू आ इधर आ, ये तो दिख नहीं रहा है, आ शेरो चल फटाफट उठ जा, दीदी ने साफ सफाई करनी है, खड़ा हो रहे हो बताओ, चल आ जा, खड़ा हो। चार मंजी के नीचे है और अभी वो ऊपर है, जब शेरू मंजी पर होता है तो किसी और की हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पे चढ़ जाए, क्योंकि वो सिर्फ शेरू को मिला है। चल शेरू खड़ा हो, चल भगवान खड़ा हो बेटा, दीदी तो साफ सफाई करनी है। तेरे मम्मी नहीं उठाती थी बचपन में, नींद से और हम उठते नहीं थे। खड़ा चल शाबाश, मंजी वो करूंगी, खड़ा चल, हाँ चल वेरी गुड। ये भी आया डॉग, इसके पैर पे लगी हुई है, डरा हुआ पूरा, एग्रेसिव भी हो रहा पे जाती हूँ। वहाँ पे मैंने इस डॉग को देखा था थोड़े दिन पहले, तो पर मेरे को दिखा नहीं, वो उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है
कि मैंने जैसे उसको देखा तब तो मेरे वो हाथ नहीं आया, फिर मैंने किसी को साथ लेके गई क्योंकि मैं अकेली थी तो मैं उसको रेस्क्यू नहीं कर पाई थी। अभी मैं उसको रूम में लेकर आई हूँ, रखा हुआ है रूम में, बहुत मुश्किल से उसको पकड़ा, बाइक पर लेकर आई, किसी भैया की हेल्प ली मैंने। तो मैं आपको भी उसकी कंडीशन दिखाती हूँ। उसकी एक आँख पूरी की पूरी ख़त्म हो रखी है और उसको मतलब एकदम सिवेयर वाला स्किन प्रॉब्लम है। तो भी मैंने उसको रूम में रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं खुद हैरान थी इस बच्चे को देख के, अभी थोड़ा रूम में काम वाम चल रहा है इस वजह से। ये है वो बच्चा, मतलब इसको रेस्क्यू करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, मैं क्योंकि जो मेरा एरिया है वो थोड़ा जंगल एरिया है तो ये कहाँ कहाँ छुप के बैठता था। और बट लकीली चलो एग्रेसिव तो ये है ही, बट इतना नहीं है कि मतलब बाइक पे मैं इसको पकड़ के लेकर आई तो ये ईजिली बैठ गया था। ये है वो बच्चा जो भी रेस्क्यू करा है, इसकी पूरी की पूरी स्किन एकदम ब्लैक पर्पल हो रखी है, ख़त्म है पूरी, वो तो है ही, बस आगे से पूरी की पूरी इसकी एक आँख निकली हुई है। बस बस चल भी नहीं पा रहा है अभी ढंग से। डर मत बिट्टा, डर मत, कुछ नहीं हो रहा। रंगीला, मैंने इसका नाम रंगीला रखा है, बेचारा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है अभी। और खाना तो इसने भी सही खाया है बट इसको पूरी देखो पूरी की पूरी स्किन प्रॉब्लम है, पूरी ब्लैक है स्किन, आँख भी पूरी एक निकली हुई है। बट कोई नहीं, ठीक हो जाएगा ये भी, है ना रंगीला, ठीक हो जाओगे। अच्छा अच्छा अभी थोड़ा एडजस्ट कर रहा है, नई जगह है ना। हाँ क्या हो गया रंगीला, इसको स्किन प्रॉब्लम तो है ही, साथ में आँख का भी है और आई थिंक नीचे भी कुछ है प्रॉब्लम इसको। अभी वो तो एक बार ही चेकअप होगा तभी पता लगेगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉपर इसके टेस्ट वगैरह होंगे। पीरा पीरा, न्यू फ्रेंड, ऐसे नए डॉग आते हैं उसको देख के घुराते रहते हैं, बट ठीक है अभी हो जाएगा इसके पहले। कंडीशन होती है मेरे कपड़ों की, कुछ मतलब शूज भी कपड़े भी कुछ वो नहीं है। मतलब मेरी मॉम तो देख के बोलती है बाहर चल घर मत घुस। तो आज के कपड़े देख के मेरी मम्मा, क्योंकि ये निशान अगर एक बार ही लग जाए ना तो हटते नहीं है बिल्कुल ही, बड़ा मुश्किल से इन्हें हटाना पड़ता है दो दो के। तो मैं खैर इतना हटाती नहीं हूँ, अपने आप ही जो हट जाता है ठीक है। बाकी मैंने दो तीन शर्ट्स बना रखी है जो मतलब जिनको वॉश ज़्यादा ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इसी चीज़ के लिए है। क्योंकि अभी रंगीला की दवाई लगी थी ना रंगीला को, तो उस वजह से सारी दवाई रंगीला को जब मैं लेके गई पैरावेट के पास तो वो सारा मेरे उस पर लग गया, बट ठीक है कोई नहीं। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, सबका ट्रीटमेंट हो गया है, रंगीला का भी हो गया और जीवन को जो रेस्क्यू करा था जीवन का भी हो गया है। अब मैं बहुत टायर्ड हूँ तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको और सब चीज़ें दिखाऊंगी।